Hello everyone, I am Renu. Welcome to my class. In today's class, we will discuss about the sentence. लेकिन सेंटेंस की नॉलेज लेने से पहले हम बेसिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है जो मैं आपको फर्स्ट लेसन से ही सिखाऊंगी. लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है जो महिलाएं या जो बच्चे जो जेंट्स जिनके पास टाइम नहीं है जो वर्क करते हैं या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्लास में क्लास को अटेंड करने का तो वो घर बैठे ही ग्रामर की नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं. तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट लेसन की तरफ. हमारा फर्स्ट लेसन है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स. सेंटेंस क्या होता है? एक वाक्य. यहाँ मैंने एक परिभाषा दी है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी जो आप आसानी से समझ सकते हैं. अ सेंटेंस इज अ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग. हिंदी में जानते हैं वाक्य जो मिलकर बनता है विभिन्न विभिन्न भागों से वो कहलाता है वाक्य. इट मीन्स सेंटेंस. उसके पार्ट क्या है, भाग क्या है जानते हैं उनके बारे में. फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब, थर्ड है वर्ब एंड फोर्थ है ऑब्जेक्ट. अब पहला क्या आता है, सब्जेक्ट जो बोलते हैं हिंदी में करता. इट मीन्स किसी काम को करने वाला या जिसके बारे में बात होती है. पहला सेंटेंस है हमारा राम एक अध्यापक है. अब अध्यापक कौन है? राम. तो हम राम के बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं. सेकेंड है राम किताब खरीदेगा. फर्स्ट वाले में उसकी विशेषता बता रहे हैं वो एक अध्यापक है लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में हम बता रहे हैं राम किताब खरीदेगा. क्या वो काम कर रहा है? यहाँ वो खरीदने काम कर रहा है. अब खरीद कौन रहा है? राम. जब भी हम कौन लगाते हैं तो सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा निकल कर आता है. कौन के लगाते ही सब्जेक्ट निकल कर आता है. वैसे मैंने पिक्चर के थ्रू भी समझाया हुआ है एक पर्सन की पिक्चर बनाकर. अब ये क्या है? राम जो एक अध्यापक है और किताब खरीदेगा. तो किताब कौन खरीद रहा है? राम. राम इज अ सब्जेक्ट. सेकेंड आपका हेल्पिंग वर्ब जो वाक्यों को पूरा करती है और बताती है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. दोस्तों इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी. तो हल्की बहुत नॉलेज लेने के लिए आप सीख सकते हैं प्रेजेंट क्या होता है. वर्तमान काल जो चल रहा है इसमें हम यूज करते हैं इज एम आर. क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी आप नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते हेल्पिंग वर्ब के बारे में वो होती क्या है. इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ समझाया है आपको इसके बारे में. नेक्स्ट लेसन में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी विद सेंटेंस. प्रेजेंट होता है वर्तमान काल जो चल रहा है इसमें हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर. पास होता है भूतकाल जो बीत गया जिसमें हम यूज करते हैं वॉज और वर. फ्यूचर क्या होता है? भविष्य काल जो आने वाला है जिसमें हम यूज करेंगे विल और शैल. अब बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ. राम किताब खरीदेगा. खरीदेगा वो अब काम करेगा. अब विल हमें क्या दर्शा रहा है? फ्यूचर के बारे में जो काम करेगा. राम विल बाय अ बुक. विल इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब. थर्ड हमारा आता है वर्ब. वर्ब क्या होती है? क्रिया जो काम किया जाता है. जैसे है फर्स्ट सेंटेंस राम किताब खरीदेगा. यहाँ मैंने एक पिक्चर बनाई है दो पर्सन है दो लोग हैं यहाँ पर. अब ये बंदा क्या कर रहा है? किताब खरीद रहा है. क्या वो काम कर रहा है? किताब खरीदने का. राम किताब खरीदेगा. खरीदेगा वर्ब है. कौन खरीदेगा? राम. तो क्या काम कर रहा है? खरीदेगा. बाय हमारे क्या है? खरीदना. राम विल बाय अ बुक. ऑब्जेक्ट क्या होता है? कल किसी काम को करने का लक्ष्य. सेंटेंस है राम किताब खरीदेगा. अब ऑब्जेक्ट क्या है? किताब खरीदना उसका क्या है? लक्ष्य है. राम विल बाय अ बुक. तो बुक हमारे क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट. अब समझाती हूँ आपको सेंटेंस के थ्रू जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि सेंटेंस होता क्या है कैसे इसको हम यूज करते हैं. गीता घर जाएगी. सेंटेंस है गीता घर जाएगी. यहाँ मैंने गीता की पिक्चर बनाई है. घर बनाया है और जाने वाला इमेज मैंने यहाँ पिक्चर मैंने दिखाई है आपको. गीता घर जाएगी. तो गीता इसमें क्या है? सब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब. अब जाएगी वो तो फ्यूचर की बात हो रही है. वर्ब आएगी जाना. उसके बाद कहाँ वो जा रही है? घर पर. गो टू होम. गीता क्या है? सब्जेक्ट. विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब. गो क्या है? वर्ब.
होम क्या है? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में वो काम कर रही है, दूसरे सेंटेंस में हम उसके बारे में बता रहे हैं। गीता क्या है? गायक है। क्या कर रही है वो? गाने गाने का काम कर रही है। सेंटेंस बनाते हैं, गीता इज अ सिंगर। गीता क्या है? गायक है। वे क्रिकेट खेलेंगे, थर्ड हमारा वे क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ मैंने इमेज बनाई है वे क्या है? बहुत सारे। क्या खेलेंगे? क्रिकेट। अब यहाँ पे खेलने काम वो कर रहे हैं। वे के लिए हम क्या यूज करते हैं? दे। खेलेंगे फ्यूचर की बात हो रही है, विल यूज करेंगे। क्या करेंगे? खेलेंगे। प्ले, प्ले क्या है? वर्ब। क्या वो खेल रहे हैं, क्या खेलने उनका लक्ष्य है? ये है क्रिकेट। क्रिकेट खेलने से क्या है? लक्ष्य है। सब्जेक्ट दे। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्ले क्या है? वर्ब। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। बढ़ते हैं आगे। वे खिलाड़ी है। अब यहाँ मैंने बताया है वे क्रिकेट खेलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में बता रहे हैं उनके बारे में। वे खिलाड़ी है, दे आर प्लेयर्स। अब वो यहाँ पर उनकी हम विशेषता बता रहे हैं, वे खिलाड़ी है। उनकी विशेषता बता रहे हैं जिसकी? वे खिलाड़ी है, दे आर प्लेयर्स। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है सेंटेंस और उसके पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का यूज विद सेंटेंस में आपको बताऊंगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।